क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अल्लाह की देन है बच्चे से। जी बिल्कुल अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, बिल्कुल अल्लाह की देन है। अल्लाह दे रहा है बच्चे, जनसंख्या अल्लाह बढ़ा रहे हैं। यस अल्लाह दे रहा है। बेरोजगारी भी अल्लाह ही दे रहे होंगे। क्यों क्यों? अगर बेरोजगारी मोदी दे रहे हैं तो बच्चे अल्लाह की देन। सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार थोड़ी, सब काम करने वाले कर रहे हैं काम, बेरोजगार क्यों? जब हम औलाद, अगर हम औलाद पैदा करने की क्षमता रखते हैं तो हम उसको खिलाने की भी औकात हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते? हर आदमी रखता। अब मान लेते हैं यहाँ पे सारे लोग हैं, किनके घर में दो बच्चे से ज्यादा, अगर दो बच्चे से ज्यादा हो गया तो कौन ऐसा आदमी? अच्छा एक मिनट पूछ रही हूँ, एक मिनट सर सर सर, मैं ये पूछ रही हूँ, दो बच्चों का पालन पोषण ज्यादा आसान होगा या 10 बच्चों का ज्यादा? मेरे लिए 10 का भी आसान है, 2 का भी आसान है। तो एक बच्चा ही पालना मुश्किल रहेगा मेरे लिए। 10 का कैसे होगा? 10 का कैसे होगा सर? ये कह रहे अल्लाह की देन है। कैसे होगा सर? बच्चे भीख मांगेंगे रोड़ों पे, वो अल्लाह की देन है कि अल्लाह की देन है? भीख मांगे वो रेडी लगा बच्चे दो ही अच्छे, ये अच्छे हैं दो ही, नहीं दो ब्रो। अगर जनसंख्या कानून आता है, अगर जनसंख्या कानून आता है तो आप उसका विरोध करेंगे? बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। क्यों विरोध? मैं आज इंडिया गेट से भी विरोध करूंगा इस चीज का, अगर कानून आ जाए। दूसरी चीज, अगर चाहते कि आपके देश की जनसंख्या इतनी रहे कि जितना आप पालन पोषण कर सके, देश चल सके। नहीं, मैं तो उतने बच्चे को पैदा करूंगा जितने का मैं पालन पोषण कर सकता हूँ आसानी के साथ, और मैं कर सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। सुने मेरी बात, मेरे दो बच्चे हुए, मेरे दो बच्चे हुए, एक चला गया यहाँ से, चला गया लाल किला जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मेरी बीवी का बच्चा हो नहीं सकता, मेरी बीवी के साथ अब बच्चा हो नहीं सकता, उसकी बंदी हो गई है, और एक बच्चा जा रहा था उधर कुतुब मीनार देखने के लिए, वहाँ एक्सीडेंट हो, उसके बाद कहाँ से आएगा बच्चा? मौत भी तो अल्लाह की मर्जी होगा कि हमेशा बाप, हमेशा हमेशा पापा पापा कहने वाला होगा, हमेशा दो ही होना चाहिए, ऊपर वाले की देन है जितना भी हो जाए। अब किसी को एक भी नहीं, कितने भी हो जाए ऊपर वाले की, वो ये नहीं है कि 100 भी हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, होते हैं ऊपर वाले की देन है, दो भी, किसी के एक भी नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो क्या कीजिएगा? पैदा करने वाला का एक्सीडेंट हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? बताइए, पैदा करने वाले का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको बच्चे की चाहत ही नहीं रहेगी, फिर उसको बच्चे की चाहत कैसे? स्टॉक में 10 बच्चे पैदा करके रखेंगे कि एक को कुछ हो गया तो दूसरा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, मैं मुस्लिम हूँ और मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला जब तक औलाद से नवाज रहे, मैं औलाद को एक्सेप्ट करता जाऊंगा, इससे आगे मैं, ये जब तक अल्लाह ताला दे रहे हैं तब तक लेते, तब तक लेते भगवान की देन है। बस बस, नहीं नहीं, कुछ लोगों की मानसिकता होती है इस हिसाब से, हमारे दो होना चाहिए जो बस। लेकिन ये कह रहे मुस्लिम ये नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो ये तो अपना उनका सोच है। आप कह रहे नहीं मानेंगे, ये क्या खाना नहीं मानेंगे, मुस्लिम नहीं मानेंगे, दो बच्चे नहीं। मैंने आपकी हाथ में भगवान ये पालने की औकात है उतने करेंगे मुस्लिम, जिसकी जितनी औकात है ना उतनी करेंगे, चाहे वो एक हो चाहे वो 10 हो। 10 पालने की औकात है तो 10 बिल्कुल, 10 पालने की औकात है। मेरी बात सुनेंगे आप तो देश कहा जाएगा, देश कहा जाएगा? आबादी बढ़ेगा फिर भी देश यही रहेगा, आबादी ना हो फिर भी देश यही रहेगा। जगह कहाँ से लाएंगे, जगह कहाँ बचेगी अगर सबके? क्या इतना आबादी बढ़ रहा है, जगह नहीं? सबके 10-10 बच्चे हो जाएंगे, जगह बढ़ रहा, जगह नहीं है? आप सोचिए ना, इतना आबादी बढ़ रहा है, आबादी की बात कर रहे हैं, ये जगह नहीं है। मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं कुल 8 लोग हैं मेरे घर में, मम्मी पापा को छोड़ करके मैं 4 बहन 4 भाई हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद साहब कोई बिजनेसमैन नहीं है या कोई सरकारी जॉब नहीं है, मजदूर आदमी है और सबको पढ़ा रहे हैं। मैं मानो यूनिवर्सिटी से पीजी कर रखा हूँ। होते तो ज्यादा आसान रहता ना, दो होते तो मैम सुन तो ले, मेरे पापा मजदूर हैं, अभी वीडियो कॉल करके दिखाऊं कैमरा के सामने में मजदूरी कर रहे होंगे, और मैं 8 भाई बहन हूँ, 4 भाई और 4 सिस्टर है मेरी, सुने मेरी बात, वही पापा हैं, 3 सिस्टर की शादी किए हैं मजदूरी कर करके, 2 भाई पढ़ रहा हूँ अभी दिल्ली के अंदर में रह करके, 2 भाई पढ़ रहा है गाँव के हाई स्कूल में, अभी 1 9th में। गर्व की बात नहीं, ये सोचने की बात है। सुने सुने, यहाँ सिर्फ है ना बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही, नेचुरल रिसोर्सेज भी शॉर्ट है, लैंड शॉर्ट है हमारे लिए, गवर्नमेंट जो हमको, सुने सुने इनकी पर्सनल है, इनकी पर्सनल है कि ये इनका 8 भाई बहन है, ये कमा के खा लिए, और अगला क्या करेगा? मांगेगा 2012 में TET का एग्जाम दिया था, 2 नंबर से पिछड़ गया, जॉब अभी तक नहीं हुई है, ठीक है? 10-10 बच्चे अगर पैदा हो जाएंगे कहाँ से जॉब दीजिए? मेरी बात,
भाई कैमरा से जॉब दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा, दस दस बच्चे पैदा हो जाएंगे, कहाँ से जॉब? एक लाख यार, 16 लाख आदमी भरा था, 45,000 की बहाली। देखिए यहाँ क्या है, इनका तर्क अपनी जगह है, मैं मानता हूँ कि किसके 5-6 बच्चे हैं वो भी एक तरीके से रोजगार को मैनेज कर ले रहा है। लेकिन बच्चे क्या भगवान और अल्लाह की देन है? बच्चे बिल्कुल अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, लेकिन ये जो प्रकृति है इसको कहीं ना कहीं तो बैलेंस रखना है ना, नहीं तो जो ये नेचुरल रिसोर्सेस है ये तो पूरा इम्बेलेंस हो जाएगा। जॉब की बात नहीं हो रही, क्योंकि मैं देखता हूँ अक्सर जहाँ हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं उनके 4-4, 5-5 बच्चे, लेकिन वो रोजगार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से आबादी बढ़ती रही, ये विस्फोट किसी दिन क्रिएट होगा और ये जो हमारी जो बैलेंस है वही खत्म हो जाएगा, हम किसी को रहने ही नहीं देंगे। पैसे सिर्फ इनकम की नहीं है ना, हमारे पास रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है। आज से 2 साल पहले मेरी कॉलोनी में पर डे 2 बार पानी आता था, आज 2 दिन में 1 बार आ रहा है। पूछने पे कहते हैं कि जनता इतनी आ गई है इधर, हम नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। आप सरपास कर चुके हैं। बच्चे एक मिनट सर, बच्चे दो ही अच्छे या जितने हो जाए उतने? दो ही अच्छे, दो से जिसके पास, आपके मोहल्ले में या आपके गांव में, आपके मोहल्ले या आपके गांव में, आपके शहर में जी, कोई ऐसा फैमिली जरूर होगा जिसके पास एक भी बच्चा ना है, वो आदमी किस तरह से रह रहा होगा? अगर मेरे पास 3 बच्चे हो जाए मैं उसको एक गिफ्ट कर दूंगा। तो आप बच्चे गिफ्ट करते फिरेंगे सर? वो बच्चा देखिए ये प्राकृतिक और जैविक का विषय है, वो बच्चा पैदा करने के लिए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, वो अपने बच्चे पैदा कर लेगा। लेकिन जो प्राकृतिक इम्बेलेंस है आप उस पर विचार करिए, ये धरती का पूरा इम्बेलेंस हो जाएगा। हाँ क्यों, कौन सा है आपको IVF के बारे में जानकारी है? जानकारी नहीं, आपको जानकारी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप नहीं ऐसा कुछ नहीं, अगर अल्लाह ताला की देन है तो आप हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? आप अपना जो बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसेस है उनको क्यों फॉलो करते हैं? फिर आप अल्लाह ताला की देन रखिए, प्रकृति का इम्बेलेंस बिगड़ जाएगा, कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। सर बच्चे दो ही अच्छे या अल्लाह जितने दे दे उतना चलेगा? अल्लाह सिर्फ बच्चा देने के लिए है, दूसरा कोई काम नहीं। इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं बिठा सकता। एक मिनट मैं पूछता हूँ, अगर अल्लाह को देना है तो यार पाकिस्तान भीख मांग रहा है, उसको पैसा दे देना, देना चाहिए ना। सऊदी अरेबिया जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ उसकी सुरक्षा अमेरिका देखता है, उतनी ताकत दे दे कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे। 90 लाख लोग इसराइल में रहते हैं, सिर्फ 90 लाख लोग, जब चाहते हैं इनकी 57 देश की बजा देते हैं, वो ताकत अल्लाह दे दे। समझ रहे हैं, हमारे देश में इतनी आबादी बढ़ गई, देखिए गुस्सा बढ़ रहा है। ये चाहे हिजाब हो चाहे बच्चों की हो, हर चीज में अल्लाह को क्यों लाते हो यार? अल्लाह की इतनी ताकत होगी तो इन देशों नहीं आता, बात को नहीं आता, इसीलिए बोल देता अल्लाह। हाँ सही बात है, कह रहे थे कि 10 हो जाए तो भी हम संभाल। मेरा सवाल किसी का भगवान किसी का अल्लाह, मेरा सवाल है किसी का भगवान किसी का अल्लाह किसी का यीशु है ना, वो आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आएगा, आपको खुद समस्या समाधान करना पड़ेगा। आज के डेट में कहीं जाते हैं गन्ना की खेत में गन्ना तोड़ने जाइए।